नेम इज़ शिवांगी भयाना एंड बेसिकली जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक म्यूज़िक वीडियो है जो कि लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्दी। इस म्यूज़िक वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि ये म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट की है पॉसन थॉमस ने एंड ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड है रेमो डिसूज़ा के लिए। जी मेरा नाम है अंजनांकुर सिंह और मैं इस प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है यार एंड आई होप कि 2018 के वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल बने। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत नई चीज़ है, अभी तक इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत रेयर लोगों ने रिप्रेजेंट किया है फ्यूचर बेस बेसिकली इंटरनेशनल बेस म्यूज़िक। तो हमने बहुत ही इसको कॉम्प्लीमेंट किया है, बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर हमारे बहुत करीबी साथी हैं सिद्धांत मिश्रा जो बॉम्बे से बट वो न्यूयॉर्क लेबल से साइंड है, तो वो बेसिकली न्यूयॉर्क के लिए काम करते हैं। तो उनके साथ हमने फीचर करके कोलैबोरेट करके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया। फिर हमने शिवांगी को भी इसमें आई एम ब्लेस्ड दैट कि शी इज़ अ पार्ट ऑफ आर प्रोजेक्ट एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग सिंगर, बहुत अच्छी नोन भी है, नोन सिंगर है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ आर इंडिया। और बस ये कि पॉल्सन भाई ने बहुत खूबसूरत सा वीडियो डेडिकेट किया है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बहुत ही कमाल एंड पॉल्सन भाई का एक तरह से बैक है, पॉल्सन थॉमस विल बी बैक विद दिस वीडियो एन अमेजिंग वीडियो। So, ये वीडियो किस तरह खास है, किस तरह स्पेशल उसके बारे में? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप देखोगे बीइंग एन डांसर अभी तक डीआईडी में कोई भी आप देख लो, आप मैं नाम नहीं लूँगा बट किसी को भी आप देख लो जितने भी डीआईडी से फ्रॉम द सीजन वन से लेके अभी तक सब ने कोरियोग्राफी किया, सब ने किया बट किसी ने डायरेक्ट नहीं किया जो खूबसूरती तरीके से। और अब रेमो सर का क्या है कि वो रेमो सर के जो भी शिष्य हैं शागिर्द हैं जो भी है बट जो रेमो सर को फॉलो करते हुए चीज़ और एक बहुत ही खूबसूरत वे में इतने यंग, एक तो सब एक बहुत यंग है वो और इतने यंग हो कि उन्होंने बहुत अनएक्सपेक्टेड वीडियो बना दिया कि मतलब आप देखोगे जब वीडियो तो आपको खुद लगेगा कि इतने ज़्यादा वर्सेटैलिटी है वीडियो में और इतने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बहुत कॉम्प्लिसिटी है, मज़ा आएगा, मतलब बहुत क्रिएटिविटी तरीके से वीडियो शूट हुआ है। बहुत खूबसूरत, मेरा तो 5 साल पहले का रिश्ता है, 5 से 6 साल पहले जब मैं छोटा था तो मैं कानपुर में रहता था तो उनके लिए मैंने सबसे पहला बैकग्राउंड स्कोर किया था लाइव पहला किया था तो वहाँ से रिश्ता बनाया। तो अब सोचिए ना कि 6 साल पहले और 6 साल बाद उनके साथ काम करने का मिला है जबकि रिश्ता रहता है बट आफ्टर लॉन्ग टाइम उनकी पहली टीम बनी, तो ये रब का शुक्र है कि उनको रब ने उन्हें जरिया बनाया हम तक पहुंचने के लिए। बहुत खूबसूरत सा वीडियो है, आई एम रियली ब्लेस्ड एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड दैट कि हमने इतना प्यारा वीडियो किया और बहुत नया है ये। मेरा रिलेशन एक्चुअली काफ़ी नया है उनके साथ, मैं उनको आई थिंक अराउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही हमने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट, जब अंकुर ने ये प्रोजेक्ट मेरे पास लेके आया, मुझे बताया कि ऐसा ऐसा गाना है और उस टाइम पर मैं मिली थी उनके साथ। तो उस टाइम पे तो हम एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे थे, पहले सॉन्ग के ऊपर काम किया गया, लिरिक्स के ऊपर काम किया गया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, देन फाइनली वी वेंट ऑन बोर्ड एंड वी वेंट टू द रिकॉर्डिंग स्टूडियो, हमने रिकॉर्ड किया गाना। तो दैट्स व्हेन द इंटायर इंट्रोडक्शन हैपन, दैट्स व्हेन आई हैड बिल्ट अ रैपोर विद हिम एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो एंड मेरा फर्स्ट टाइम है अंकुर के साथ काम करते हुए, तो इट्स लाइक मतलब एक बहुत ही अच्छी निट फैमिली बन गई, हम सबकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। सो रेमो सर आज के बहुत बड़े ब्रांड है एक तरह देखा जाए तो, उनके लिए जो गाना उनके लिए डेडिकेट किया हुआ है उस पर काम करना कितना मुश्किल था? एक तरह से मुश्किल नहीं था क्योंकि आप जब किसी से मोहब्बत करते हो जब उसके लिए आप कोई काम करते हो तो आपको और मज़ा आता है काम करके। हाँ थोड़ा सा रहता है कि यार उनको पसंद आएगा कि नहीं, बट एक सबसे खुशी रहती है कि मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से रेमो सर के लिए भी सबसे अच्छी बात है कि उनका कोई तो ऐसा बंदा है, कोई तो ऐसा शागिर्द है जिसने उनको ऐसा डेडिकेट किया और बहुत स्पेशल वीडियो, मेरे ख्याल से आज के टाइम पर ऐसा कोई नहीं करता बिकॉज एवरी वन इज़ डिपेंडेंट वो किसी ने, बट वो इंसान ऐसा है कि उसने खुद अपनी टीम बनाई, उस खुद मेहनत की और मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा वो फक्ड अप हो गए थे चीज़ों के साथ, बट एट द एंड कहते हैं ना रब सब अच्छा कर देता है आपकी, वही चीज़ है। एंड दूसरा ये भी होता है कि जब भी कोई नेक्स्ट स्टेप लेता है ना इंडस्ट्री में स्पेशली, मतलब आप वैसे भी देखें तो वो जो उनके साथ पहले से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको भूल जाते हैं। यहाँ पे वो किसी को भूले नहीं, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट ही पहला प्रोजेक्ट जो है अपने गुरु के लिए बनाया, तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं कि अपना पहला प्रोजेक्ट वो भी किसी को डेडिकेट करते हैं, उनके लिए बनाते हैं, इतना एफर्ट करके उनके लिए बनाया। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज़ द बिग थिंग टू से बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप कोई दिल से चीज़ करते हो वो भी किसी और के लिए, आई थिंक एनी वेज दैट थिंग इज गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इंस्पिरेशन तो आप क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो बहुत छोटे शहर से, मेरे को बताया था भैया ने कि वॉज लाइक कहते ना बिल्ला थे बहुत शॉर्ट थे, मतलब वो गुंडा टाइप होते ना, उस जर्नी से निकलना इन एन
कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आना और उस चीज़ को जस्टिस देना, हर चीज़ें यहाँ पे उन्होंने सीखा, उनको हिंदी तक नहीं आती थी, बट नाउ डेज ही कैन फ्रेंडली स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, बहुत अच्छे से एक कॉन्फिडेंस और हर चीज़ों को उन्होंने, यार आप सबसे अच्छी बात है ना, आप एक छोटे शहर से कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आप कैसे एक छोटे से चीज़ से निकल के आप उस चीज़ को जस्टिस देते हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आज के वक्त में भी, आज के दौर में भी उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई, जो भी चीज़ें बनाई बहुत बड़ी बात है, मैं रब का सबसे बड़ा शुक्र अदा करता हूँ उनका। एंड वो जैसे कैप्टन थे शिप के, क्योंकि अगर आप सोचें तो मुझे तो खैर यही लगता है कि डायरेक्टर जो होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट आगे जाता भी है तो आगे जाके वो प्रोजेक्ट में शायद सिंगर्स को या जो स्क्रीन पे आते हैं लोग उनको मिलता है ऑल दैट अक्लेम दे गेट, बट जब कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ करता तो ऑल ऑफ अ सडन इट्स ओनली ब्लेम्ड ऑन द डायरेक्टर। तो ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप एज, एंड उन्होंने मतलब लाइक ही सेइंग ही केम फ्रॉम सच अ स्मॉल प्लेस, बट फिर भी उन्होंने मेहनत करके इतना आगे आए, एंड ही वेंट एंड ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही वॉज अ लीडर एंड ही इज़ रियली शोन। एग्जैक्टली, या वही चीज़ है कि मतलब बहुत अच्छी बात है इन्होंने बोली कि डायरेक्टर क्या है कि वो आपको पुश तो कर देता है, वो हर एक एक चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। आप तो चलो हम सिंगर्स आर्टिस्ट के हम तो हर चीज़ कर लेंगे, बट एक डायरेक्टर को चीज़ें बनाने में एक घर जैसी चीज़ें होती बनाना, कोई भी प्रोजेक्ट हो भले गाना हो या फिल्म हो, एक घर जैसा बनाना होता है। फ़र्क इतना है कि हम रूम में वो घर बना रहे हैं, तो वही चीज़ हमें तो कहीं भी मिल जाएगा, बट वो एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए हम उनको सल्यूट करते हैं कि ना वेरी यंग एज उन्होंने जितने भी DID कंटेस्टेंट हैं इवन, एंड मैं प्रे करता हूँ कि आने वाले टाइम की ही बिकम वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ आर इंडिया। बट अंकुर आपने कभी सोचा था, आई मीन टू गेट दिस प्लेटफॉर्म, इट्स अ बिग दिस थिंग, यू नो सोचा तो बहुत बचपन से ही था, कहते ना जब बिलीफ रहता आपको, मैं बहुत छोटे से घर पे रहता था, बट कहते ना कि लोग बोलते थे इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि लोग मुझे बोलते थे आई यूज टू स्टे एट 700 बक्स रूम पर मंथ, तो लोग बोलते थे अभी इसके बाद आई डोंट से, क्योंकि मैंने मेरा पिछले साल डेब्यू है सुजीत सरकार के बैनर से फिल्म में, तो एक बहुत अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैंने बड़े म्यूजिक एक्टर के साथ एक नया एक जगह मुझे मिली, तो लोग ये बिलीव नहीं करते थे कि इसके पास पैसे तो है नहीं मैक खरीदने के लिए, वो खरीदने के लिए कहाँ से फिल्म करेगा, तो मैं बोलता नहीं था। उनको ये नहीं पता कि जो ख्वाहिश होती है ना, ख्वाहिश किसी का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ अपने रब का मोहताज होता है। तो आप अपने रब से जुड़े हो ना, तो कहीं भी किसी भी हालत में आप देखो ना, आजकल तो स्लम्स के ऊपर फिल्म बन रही गली बॉय, तो ये हमारी ये कुछ ये आप बस ख्वाहिश रखो, जस्ट कहते हैं ना पॉजिटिव बिलीफ रखो, इंशाल्लाह जरूर होगा, ये मैं मानता हूं। एज अ सिंगर आप दोनों को कौन इंस्पायर करता है, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं, अजीत है, अंकित तिवारी है, तो एज अ सिंगर आप दोनों को कौन इंस्पायर करता है, आप बताइए। मैं सबसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कोई एक स्पेसिफिक सिंगर को चूज़ नहीं किया है, ना ही उनको रोल मॉडल बनाया, ना उनको फॉलो इतना मतलब जस्ट उनको ही फॉलो किया, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। तो आई थिंक ऑल ऑफ देम आर इंस्पायरिंग टू मी बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन पर्सनैलिटी एंड, बट नाउडेज तो ऑब्वियसली आई थिंक अरिजीत काफ़ी इंस्पिरेशनल है, नेहा कक्कर भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, तो इट्स नाइस टू सी कि हमारे जो फेलो लोग हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं। सेम मेरा भी इनका जो इन्होंने बोला कि मेरे को कैसा है कि जिसकी भी आवाज़ अच्छी लगे, अगर मेरे कानों को अच्छा लगा दैट इज़ अ म्यूज़िक, मैं ये बिलीव करता हूँ। हाँ हालांकि मैंने अपनी माँ से सुना है, बचपन में माँ को ही सुनता था मैं, मेरी माँ बहुत खूबसूरत सिंगर है, तो उनको सीखते सीखते फिर ये है कि हाँ मन्ना डे जी को मैंने बहुत ज़्यादा बचपन से कवर किया, मतलब मन्ना डे जी बहुत बड़े क्लासिकल लेजेंड है, वो उनको बहुत फॉलो किया, फिर अभी हालांकि दिन में मैं सज्जाद अली साहब को बहुत दिल से मतलब कनेक्ट हो गया मैं, बिकॉज एक अलग सी आवाज़ है उनकी, तो लगता है क्योंकि सिंगर्स बहुत हैं बट एक जो आपको एक अलग जोन में जोड़े ना, दैट इज़ वेरी, वो बहुत अलग सिंगर है जो कि इस मार्केट में आपको नहीं मिलेगा बॉलीवुड सीन में। सो न्यूकमर्स की बात करें, आज काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं न्यूकमर्स के लिए, उस पे आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ स्ट्रगल रहा आपका? मैं यही बिलीव करता हूँ है तो बहुत प्लेटफॉर्म्स, तरह तरह की चीज़ें, वही चीज़ है ना कि आप क्या सोचते हो, यू हैव टू बी चूजेबल, है तो बहुत प्लेटफॉर्म्स तरह तरह की, अब वही बात है ना कि 5 साल मैं भी रहा, मेरे को भी 5 साल हो गए, शिवांगी को भी काफ़ी वक्त हो गया होगा, बट ऐसा थोड़ी ना कि मतलब इन्होंने भी चूज़ किया होगा ना चीज़ें, हालांकि हमें हमारे पास बहुत ऑफर्स आते हैं तरह तरह के, बट जब तक हम नहीं चूज़ करेंगे तो असली सिनेमा के वर्ल्ड में नहीं घुस पाएंगे। अच्छी चीज़ को ना आपको वक्त देना पड़ता है, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या क्या नहीं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दो रोटी कम खानी पड़ेगी, बट ये कि जब मिलेगा तो फिर एक उसके जरिए आपको फिर बड़ा लॉबी मिलेगा, अपना काम तो बहुत है। इस पर्टिकुलर एल्बम के बाद किस तरह से प्रिपरेशन हो रही है आगे, वो दोनों से एक्चुअली जानना चाहेंगे, क्या कुछ होने वाला है एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू? यही है कि अभी मेरा एक और फिल्म है, मतलब ऑन फ्लोर इन अ कपल ऑफ मंथ्स, आई मैंने अभी
बी आर चोपड़ा के इन हाउस एडिटर थे, उनका डेब्यू हो रहा है, धीरेन डिमरी नाम है उनका। तो उन्होंने उनकी रात दो फिल्में आ रही, एक राजकुमार रॉय के साथ आ रही, दूसरी आ रही आर्य बब्बर के साथ। तो आर्य बब्बर की फिल्म में मेरे तीन गाने, तो रब का शुक्र है आई एम द मेन म्यूजिक एडिटर फॉर दैट फिल्म। तो बस उसका भी इंतजार है, अभी ये हो गया। देन पॉल सिंह भाई के साथ हम एक और गाना बहुत खूबसूरत सा करें, दैट इज़ वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो भी कमाल है। तो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ये दिखाना, हम कोशिश करें कि हम अपना इंडिया में एक अलग सा मार्क छोड़ सकें। ये हमारा ये नहीं कि हम किसी से कंपटीशन करें, कोई हर इंसान अपने में बेहतर है। द थिंग इज़ दैट कि तुम कंपटीशन ना करके यू ट्राई टू मेक योर ओन, मतलब अपना मार्क अलग हो सो दैट पीपल कैन फॉलो योर वेज, योर आपके अपने तरीकों को फॉलो करें। ये हमारा कोशिश है कि हम अपने म्यूज़िक को, अपनी म्यूजिक ऑफ स्टाइल को ला सके। यार फैंस तो नहीं बोलूंगा, वो तो बहुत ही शर्मिंदगी हो जाती है फैंस से, हमारे फ्रेंड्स, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, फैंस तो सच में हमें सिर्फ हक होना चाहिए हमारे रब के हुक्मों का फैन हो जाए। मतलब थिंग इज दैट कि हम जितने मोहब्बत करने वाले बढ़ेंगे ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्या होता है ना, गल को गाली भी देते, तो मोहब्बत करने वाले समझ जाएंगे यार चल इसके गाने नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, बट फैंस कहते अभी गाने क्यों नहीं आ रहे तेरे, वो सीन हो रहा है। हम ये कहते हैं कि हमारे सारे दोस्त हैं, यही बोलना चाहेंगे कि आप जितना ज़्यादा हो सके इसको प्यार दीजिए इस गाने को। हाँ, हमने बहुत मेहनत करी, हमने तो चलो डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, डायरेक्टर के साथ लाइट्स मैन ने कितने सब ने बहुत मेहनत की। तो मैं चाहता हूँ बहुत खूबसूरत सा एक थाली सच के आई, तो आप सब इसको बहुत अच्छे अंदाज में खाए, बहुत अच्छे से खाए। आई वुड लाइक टू से द सेम थिंग, यही कि जो भी ये लोग जब ये सॉन्ग आएगा एंड इट गेट्स रिलीज्ड, मैं तो उम्मीद यही रखूँगी कि सब उसको प्यार देंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे, एंड उससे ज़्यादा तो मैं मांग नहीं सकती। बट अभी तक तो मुझे लगता है, खैर मुझे काफ़ी सारा प्यार मिला है अपने जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी गायकी को पसंद करते हैं, एंड आई एम होपिंग कि उनको ये गाना अच्छा लगेगा एंड वो इन्जॉय करेंगे। शूट पे तो बहुत मज़ा आया और आगे भी मज़ा आएगा, बस हम लोग एक्साइटेड है कि सॉन्ग कभी रिलीज हो, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। सॉन्ग शूट पर हम लोग जब शूट हो रहा था तो हम सर के साथ में रह रहे थे हर टाइम पे, सर ने बोला कि ये चीज़ ऐसे, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पर, हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं था सर के साथ जुड़े हैं तब से, तो बहुत सारी चीज़ें सर के साथ में की हैं और अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें अभी होनी है, तो जितना ज़्यादा सीख रहे हैं उतना ज़्यादा हम भी सर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और होप सो कि और आगे बढ़ेंगे। और जो बाकी है प्लीज आप लोग भी कुछ ऐड करना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे, अपना अपना इंट्रो दे दो। हाँ कुछ इंट्रो दे दिया। आई एम निखिल भारद्वाज, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मैं सर के साथ अभी 1.5 साल से हूँ, और सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी पूरी टीम हम सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। इस गाने से हमने बहुत सीखा है, हमने पूरा कोरियोग्राफी सीखी, डायरेक्शन में सर ने हमें बहुत चीज़ सिखाया है, तो सर का बहुत सपोर्ट है हमें मुंबई में। सबसे पहले हमारे ये सर हैं जो मुंबई में जो भी हैं वो सर हैं, वो मेरे लिए, वो आशीष के अंकुर भाई, चाहे ऋतिक, चाहे आरुष, सबके लिए सबसे पहले सर हैं हमारे लिए, बहुत सपोर्ट किया हमें और इस गाने से भी हमें बहुत सीखने को मिला। मेरा नाम आशीष है, मैं झारखंड रांची से हूँ। सर के लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है, सर जो हमारे लिए करते हैं बहुत सारी चीज़ करते हैं, जो एज अ माँ बाप करते हैं यहाँ पर, माँ बाप तो वो एक गाँव में है बट यहाँ पर हमारे लिए माँ बाप सर है, तो उनके लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है। हम लोग मुंबई में हैं तो हमारा मुंबई में ना मम्मी है ना पापा है ना भाई है, तो जगह जगह पे जहाँ पापा की कमी होती है वहाँ पे पापा, जहाँ मम्मी की प्यार होता है वहाँ मम्मी बन के प्यार देते हैं, जहाँ भाई होता है वो भाई की तरह, एक गुरु की तरह, हर तरह एक उनके अंदर सारे रूप हम लोगों को मिलते हैं, डांटते हैं, प्यार करते हैं, साथ में एक फ्रेंड की तरह हमारे साथ रहते भी हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम सब लोग बाहर से हैं, कोई हमारा यहाँ पे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, बट एक सर हैं जो हमारा पूरा सपोर्ट है, पूरा ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, तो किसी भी चीज़ में हो हर चीज़ में हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, सबके लोगों के लिए करते हैं।
और डाइव इन कितना स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि स्पेशल जो है डेडिकेशन दिया है उन्होंने रेमो सर को, क्या कहेंगे कितना स्पेशल होने वाला है आप सब लोगों के लिए? हम लोग वेट कर रहे हैं उसी चीज का, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है डाइव इन के लिए लेकर, क्योंकि हमें पता है कि उसके पीछे हम लोगों ने कैसे काम किया है। क्योंकि एक होता है कि सामने आप लोग वेट कर रहे हैं या ऑडियंस वेट कर रही है कि सॉन्ग देखेंगे कैसा है, हम ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें पता है कि उसके पीछे काम कैसे हुआ है, कैसे हम लोगों ने सीखा है, कैसे सर ने हमें ट्रीट किया है उस समय, कैसे हमारे आर्टिस्ट के साथ में हमने काम किया, तो वो सब चीज़ें यादें जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग और ज्यादा एक्साइटेड हैं कि जितनी जल्दी आए सॉन्ग और हम आप सबके साथ में इंजॉय कर पाए। अच्छा, शूट के वक्त ऐसे कुछ प्रैंक वैंक हुए थे शूटिंग, ऐसे कुछ हुआ था? प्रैंक तो ऐसे हुए थे कि अब क्योंकि जब शूट चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट की जरूरत है, कुछ भी चीज़ इधर उधर हो जाए तो फिर डर लगता था। तो ये निखिल है, तो हम लोग शूट के टाइम पे अंदर रहते थे स्टूडियो में, तो निखिल डर के हमारे अंदर ही नहीं आता था कि कोई चीज़ रह गई तो सर डांटेंगे, तो ये बाहर से सुनता रहता था, तो बाहर को निकलता तो क्या हुआ, किसकी डांट पड़ी तो ऐसा रहता था। ये बहुत सारी इंजॉय बहुत सारा किया हम लोगों ने, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उससे, तो बस अब उसी का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आए सॉन्ग और हम सब इंजॉय करें। मेरे इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम तो पहले मिल चुके हैं बहुत बार, नाम मेरा अभीर दाधीच है और आई एम ए डायरेक्टर एक्टर। और बात करते हैं पॉल्सन की और इस म्यूज़िक वीडियो की, तो सबसे पहले तो मैं अंकुर के बारे में बोलना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा सिंग किया, मतलब मज़ा आया गाने को सुन के। और जो बात शायद अभी तक किसी ने नहीं बोली डैविन के बारे में, डैविन का जो म्यूज़िक है वो इंडिया में नहीं है एक्चुअली, जिस तरीके से उस म्यूज़िक को बनाया है पॉल्सन ने और भाई ने मेहनत करके, उस तरह का म्यूज़िक अभी तक इंडिया में आया ही नहीं है। जब लॉन्च होगा 19 को, जब आप सुनेंगे उस गाने को तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा अलग पल लगेगा। जो केमिस्ट्री दिखाई है एक लड़की की चार लड़कों को भगाने पीछे, आजकल होता है ऐसा कि एक लड़की आगे भागती है चार लड़के पीछे भागते हैं, तो वो मजे में उस चीज़ को उस म्यूज़िक के साथ मिला के एक बहुत अच्छी चीज़ बनाएगी जो है डायमंड। अब आप कुछ पूछना चाहेंगे मुझसे? सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, अतरंगी आने वाली है आपकी, उस बारे में कुछ बताएं, कब तक आ जाएगी और कब तक फ्लोर ऑन फ्लोर आने वाली है? जी अतरंगी के बारे में अगर बात करते हैं सर, तो एक हिंदी फीचर फिल्म है अतरंगी, और कुछ स्टार कास्ट भी हैं फिल्म के अंदर, और नोन फेस इतने नहीं रहेंगे फिल्म के अंदर, बट फ्रेशर्स को बहुत मौका दिया गया है और एक नयापन है फिल्म के अंदर। जैसे आजकल हर आम आदमी जो है अपनी मस्ती में अपनी धुन में है, खासकर की बॉम्बे में सब एक सपना लेके आए, उस सपने को पूरा करने के लिए जो उनका एक मेहनत है या जुझारूपन है, इसको अलग रहेंगे, कुछ भी कर रहा है वो लेकिन उसको करना है, उसका एम डिसाइड है, तो वो अतरंगी है, जाएगा वहाँ तक कैसे भी पहुँचेगा, दिस इज अतरंगी। ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा मैं उसके बारे में। कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम जो है आपका वो भी अतरंगी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं क्लब में भी जाता हूँ सर, तो मेरा जो कॉस्ट्यूम ये होता है और मैं पजामा पहनता हूँ नीचे। अच्छा, पहली बार मैं पॉल्सन के यहाँ पे जीन्स पहन गया क्योंकि मुझे गालियाँ बहुत पड़ती है उससे, क्योंकि यहाँ पे उसके कोई ना कोई नोन फेस आया हुआ होता है, मैं चड्डे में आ जाता हूँ तो थोड़ा सा रहता है, तो वहाँ मैं अतरंगी हूँ। रियल लाइफ में भी आप अतरंगी हैं? बिल्कुल सर, मैं रियल लाइफ में भी अतरंगी हूँ। अभी देखो रिसेंटली मैंने गंजापन करवाया था लेकिन थोड़े बाल आ गए सर। थैंक यू सो मच सर।